हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप जेएस कैश लोन की लिमिट कैसे बढ़ाओगे, जेएस कैश लोन की लिमिट को 15,000 तक कैसे बढ़ाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ठीक है, जिनके करने से आप जो ना अपने लोन की लिमिट 15,000 तक बढ़ा लोगे। तो दोस्तों आपने करना क्या है, सिंपली आपने जो ना वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको मैं फुल डिटेल से समझा सकूं वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, क्या रहा छोटी छोटी चीज़ें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो काट काट के देखे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यार लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए कोई कोड नहीं है ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जिनके करने से आप जो अपने जो लोन की लिमिट है उसको 15,000 तक बढ़ा लोगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपका जेएस कैश का अकाउंट जो है वो न्यू है ठीक है, अगर वो नया अकाउंट है तो दोस्तों इस पे आपको 1,000, 1,500, 2,000 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब आपको बता दूं कि यार छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास एक जेएस की सिम लगी हुई है मोबाइल में और एक टेनोर की सिम लगी हुई है, तो दोस्तों आप क्या करते हो कि यार टेनोर से ही कॉल करते हो, टेनोर से ही एसएमएस करते हो और उसी पे पैकेजेस लगाते हो, इंटरनेट पैकेजेस लगाते हो, तो उसी पर डेटा इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना है ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि अगर आपके पास जेएस की सिम है और उसी के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो आपने क्या करना है, उसी के ऊपर जो ना आपने पैकेज लगाना है और उसी के ऊपर इंटरनेट पैकेज लगाना है, उसी से ही आपने कॉल करनी है ठीक है, उसी से ही आपने जो ना एसएमएस करना है। तो इस तरह क्या होगा कि यार आपके अकाउंट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं, अब दोस्तों आपको बता दूं कि यार आपने जो ना क्या करना है, अगर आपने जेएस कैश वालों से लोन लिया है तो दोस्तों आपने क्या करना है, उसको टाइम टू टाइम वापसी करना है ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं, लोन लेने के बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 दिन का आपने गैप डाल देना है ठीक है। फौरन मतलब एक दिन बाद आपने जो ना दोबारा लोन नहीं लेना है, 3 से 4 दिन बाद जो ना आपने लोन लेना है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि दोस्तों आपने अपने अकाउंट से बिल्स भरने हैं ठीक है। बिल्स भरने के बाद आपने जो ना मोबाइल पैकेजेस करने हैं, मोबाइल लोड करना है ठीक है। उसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं तो बैंक अकाउंट में पैसे भी भेजें, और आपने कैश इन भी करना है, कैश आउट भी करना है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब आपको पता होगी ठीक है। नहीं भी पता है तो यार दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अगर कोई करीम के जो ना आप करीम की राइड बुक करते हो ठीक है, उसकी जो ना पैसे भी आप जो ना इजी पैसा के अकाउंट से देते हो, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ठीक है। दराज वॉलेट, जो आप दराज का वॉलेट है उस इजी पैसा से दराज के वॉलेट में भी अगर आप पैसे डालते हो तो ये भी ठीक है, ये भी आप करें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इसके करने से जो आपकी लोन की लिमिट है वो दोस्तों 100% मैं कह सकता हूँ कि यार आपकी जो लोन की लिमिट है वो 15,000 तक बढ़ जाएगी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो कहते हैं कि यार आप जो ना जेएस कैश वाले कहते हैं कि यार आप जो ना अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करो तो यार हम आपको जो ना 15,000 तक भी लोन देंगे ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने सारी छोटी छोटी चीज़ें करनी है ठीक है, और इसके बाद जो ना आपकी जो लोन की लिमिट होगी वो 15,000 तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि यार आपने जेएस कैश की लोन की लिमिट 15,000 तक कैसे बढ़ानी है। तो दोस्तों अगर वीडियो देखकर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आपको आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।